हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के जो है बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर यूपीपी का फॉर्म कब कब तक आएगा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लाजमी है। अगर आप सभी लोग वाकई में यूपीपी की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, हमें भी पता है कि वो बच्चा कैसे 10x10 के रूम में तैयारी करता है। तो फ्रेंड्स, आज आपके हर एक सवालों के जवाब का मैं उत्तर यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि यूपीपी का फॉर्म कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तैयारी कब से शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए कि तैयारी कब से शुरू करें। अगर आप वाकई में विद्यार्थी हैं तो अपनी तैयारी को जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये भी आपका सवाल है। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्किंग कितनी होगी या नहीं होगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितने आएंगे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं। दिल्ली पुलिस और यूपीपी में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी जॉब अच्छी है और टेंडर किस कंपनी को मिला है, ये सारे आपके सवाल हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक सवाल का मैं आपके जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यूपी पुलिस का फॉर्म कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आप लोगों के अमर उजाला का पेपर था, उसमें दिया गया था कि यूपी पुलिस में 52,699 पदों पर जल्द होगी सिपाही भर्ती। यूपी पुलिस में जल्द 52,699 पदों पर सिपाही भर्ती होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक कार्यदायी से जो है 25 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं, यानी फ्रेंड्स टेंडर मांगा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी को टेंडर मिला, तो फ्रेंड्स अभी तक किसी भी कंपनी को टेंडर नहीं मिला है। फ्रेंड्स, इसके पहले डेट आपको दिया गया था 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक फॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जैसे टेंडर तभी पास होता है जब तक कम से कम ये सरकार का रूल है कि जब तक मिनिमम अगर दो कंपनी टेंडर अप्लाई करेंगे तो उसमें एक कंपनी को टेंडर मिलेगा एग्जाम कराने के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि फ्रेंड्स दो कंपनियां नहीं आई, इसीलिए उस समय फॉर्म आपका नहीं आया, ये भी ध्यान देना। तो अभी तक फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी जो है यूपीपी का एग्जाम कराएगी। लेकिन उम्मीद है कि फ्रेंड्स 25 अगस्त तक आवेदन मांगा गया है कि कौन सी कंपनी इसको कराने वाली है। जो बोर्ड का अनुमान है कि 20 से 25 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे, तो फ्रेंड्स इससे मतलब नहीं है कि 20 लाख करें 25 लाख करें। आप लोग एकदम कंटिन्यूटी जो है तरीके से आप तैयारी करते रहें। अगर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, हम भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पुरुष व महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी है, आरक्षी पीएसी विशेष सुरक्षा फायरमैन व नवगठित पीएसी महिला वाहिनियों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियां हैं फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में। फिर यहां पे कह रहा फ्रेंड्स ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखित परीक्षा, यानी यहां पे अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन टेंडर में। अभिलेखों की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षा, यानी उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो पीटी होता है यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जो है क्या होगा मेडिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व अंतिम चयन सूची यानी आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा। फ्रेंड्स, ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्था के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, यानी फ्रेंड्स इस बार आपसे क्या किया गया है कि आपसे सीक्वेंस वाइज फॉर्म भराया जाएगा कि आप सबसे पहले कौन सा फॉर्म प्रिफरेंस भरेंगे। क्लियर है, जैसे यूपीपी हो गया, फिर आपका पीएससी हो गया फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की चीजें, फायरमैन हो गया, तो ऐसे ही आपसे प्रिफरेंस भरवाया जाएगा। उसके बाद कह रहा कि 35,757 पदों पर सिपाही भर्ती होनी थी, तब कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हो सका था, बाद में सिपाही भर्ती के बाद बढ़ा दिए गए थे। क्लियर है, यानी इतना मांगा गया था फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब वैकेंसी आने के बाद वैकेंसी और बढ़ गई है। क्लियर है, जैसा कि फ्रेंड्स ये सब आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, आयु में छूट मिलेगी कि नहीं, बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आयु में छूट नहीं मिलने वाली है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जो बच्चे ओवर एज हैं, अगर वो चाहें तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ट्विटर अभियान चला सकते हैं, लेकिन ट्विटर अभियान में जो फ्रेंड्स एलिजिबल हैं वो नहीं आपके सम्मिलित होने वाले हैं, इस बात का ध्यान देना। ऐसा आप सभी लोग कर सकते हैं। तैयारी कब से शुरू करें, फ्रेंड्स आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट पढ़ने के बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, ज़बरदस्त तरीके से लगे रहना है, इस बात का ध्यान देना। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो फ्रेंड्स अभी तक जो टेंडर में अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो यहाँ पे अभी तो केवल मैंने एक पेपर का कटिंग दिखाया है,
तो जो मेरा मानना है कि वो हमको जहाँ तक लगता है फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। OMR सीट पे आप लोगों का जो है रिटेन एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों का है कि निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो फ्रेंड्स मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.25 मार्क्स यानी 1/4 क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कितने आएंगे, तो अगर मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, 150 कितने आने वाले हैं फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर दिल्ली पुलिस और UPP में कौन सी जॉब अच्छी है, तो अगर मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस और यूपीपी में जॉब कौन सी अच्छी है, तो देखिए फ्रेंड्स अपनी अपनी जगह पे दोनों ही जॉब बेहतरीन है, बस अंतर यही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये क्या है अपने स्टेट की है। तो दोनों जॉब अपनी जगह पे अच्छी है फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए, आज के समय में जो भी नौकरी मिल जाए वो बेहतर है। टेंडर अभी तक फ्रेंड्स किसी भी कंपनी को नहीं मिला गया है, आवेदन मांगा गया है। क्लियर है बात, आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे अगर हम और बात करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों की तैयारी के लिए मैं एक जबरदस्त तरीके से बैच चला रहा हूँ, यूनिक बैच जुनून जीत, जिसमें मैंने टारगेट किया है आपका UPP फ्रेंड्स, UPSI, SSC GD, दिल्ली कांस्टेबल, ये सारे जो है यहाँ से आपका जो सेशन चल रहा है फ्रेंड्स आप लोग जरूर जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो वैकेंसी है 7547 है, आपका जो फॉर्म आवेदन होने लगेगा फ्रेंड्स सितंबर 2023 से फॉर्म आपका अप्लाई होने लगेगा। एग्ज़ाम डेट कब कब है फ्रेंड्स, पेपर आपका 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29 और 30 यानी नवंबर में फ्रेंड्स आपका पेपर होगा, 1, 4, 5 दिसंबर यानी दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर है? जो आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स वो ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स देखिए बड़ी बेहतरीन लाइन है, स्वयं को स्वयं के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो फ्रेंड्स आप खुद से मोटिवेट होंगे, अपने घर की कंडीशन को देखिए, अपने माता पिता की स्थिति को देखिए, उसके अलावा फ्रेंड्स आपको किसी का मोटिवेशन देकर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही मैंने लिखा फ्रेंड्स, स्वयं को स्वयं के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।